आप सभी को मेरा राम राम। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और इतना ज्यादा कोहरा कि मुझे लग गया था डर, तो मैं यहाँ से भागते हुए गई सीधा रसोई घर में। रसोई घर में देखा कि माता श्री ने यहाँ बना रखे थे गर्मा गर्म चाय। फिर मैंने और माता श्री ने गर्मा गर्म चाय के लुफ्त उठाए और फिर मैं लग गई अपने काम पे। इतना ज्यादा काम और इतना ज्यादा ठंडा कि मुझे लग गया था बहुत ज्यादा डर। फिर भी मैंने अपने काम को सारा खत्म किया। खत्म करने के बाद मैं नहाई धोई और आ गई मैं पूजा करने। जैसे मैंने घर के मंदिर में पूजा किया, फिर मैं चली गई मंदिर। मंदिर में यहाँ मिल गए थे मुझे बच्चे, बच्चों से मैंने थोड़ी देर बातें की, फिर मैं आगे को प्रस्थान की। आगे जाते ही रास्ते में भी मुझे इतना ज्यादा कोहरा दिखा कि मैं डर गई। मैंने कहा आज का दिन कैसा जाएगा, इतना ज्यादा ठंडा कैसे बर्दाश्त करेंगी। फिर भी मैं चली गई मंदिर। मंदिर जाने के बाद मैंने वहाँ किया थोड़ा सा पूजा और ये हमारी है छोटी सी मंदिर, बहुत प्यारी है। मैं रोज आती हूँ मंदिर, मुझे मंदिर आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पूजा खत्म करते ही मैं आ गई वापस से घर। घर आते ही देखा कि यहाँ मेरी छोटी सी तानू माता श्री के साथ खेल रही है, क्योंकि ये सोई थी जब मैं मंदिर गई तो। और उसे उसको इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था कि ये अपना मुंह छुपाने में थी। फिर भी चलिए अपनी छोटी तानों की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, छोटी बच्ची है ना इसीलिए। तो इसकी सेवा करने के बाद मैं आ गई बाहर। अब बज गए थे दिन के 12 और इतना अच्छा थोड़ा सा धूप आ गया था और मेरी माताश्री यहाँ लगा रही थी झाड़ू। साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी है, ठंड तो अपनी जगह नहीं है। तो यहाँ आई थी अंजलि। अंजलि से मैंने काफी बातें की। बात करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना और यहाँ मैं बनाने लगी थी करेले की सब्जी। वैसे आज मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, कुछ और ही बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है ना करेले को, ना अगर नीचे से ये जलना हो गया है फ्राई, क्योंकि ये ना ये काफी अच्छा से कुक हो चुका है। ये देखिए लाल मिर्च और इसको भी मैंने अच्छे से भूना। भूनने के बाद मैंने कढ़ाई में जो तेल लगेंगे और बाकी के जो लहसुन है इसी में ही भून लेंगे अच्छे ना। मैंने अच्छे से पीस दिया हाथों से, पीसने के बाद मैश कर लेते हैं हाथों से। और फिर करेले जो भूनने थे उसको भी हमने अच्छे से पीस दिया। पीसने के बाद इसमें डाल दिए थे हमने कच्चा प्याज। यहाँ पे जैसे करेला मिक्स हो जाए ना, इसमें हमें डाल देना है कच्चे प्याज और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल और इनको धनिया भी ऑप्शनल है डाल लिया। मिलाने के बाद है तो आपने करेले का अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर मैं और मेरी माता जी खाना खाने तैयार है हमारा करेले का भरता। बाय सफाई। तो इतना ज़्यादा भूख लगा था और खाना इतना टेस्टी था कि खाना खाने के बाद हम सो गए। सो के उठते ही छोटी तानू को मैं ले आई थी थोड़ा बाहर। यहाँ मिल गए थे मुझे बच्चे, बच्चों के साथ मैंने की थोड़ी बातें जाते। उसके बाद हम आ गए वापस से घर, क्योंकि शाम होने वाला था। चलिए वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।